अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुमान इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो है सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो एक लाल लाल सा आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, तो सुबह के 6 बजे ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है निकलेगा। इसलिए तो हमारी जो सोलर प्लेट की डायरेक्शन होगी वो इस वाली साइड पे होगी, छत पर ऐसे करके टिल्ड एंगल हम जो 45 डिग्री का बनाएंगे और फिर उस एंगल के ज़रिए जो है धूप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी और जैसे जैसे सूरज जो है टाइम के साथ साथ ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और फिर बिल्कुल सोलर प्लेट्स की डायरेक्शन के अंदर जो है हमारा सूरज जो है वो आ जाएगा और एंडिंग पॉइंट सामने वाली जानेब होगा सूरज का। ठीक है, और अभी आप लोग देख सकते हैं मैं जो हूँ तीसरे माले पर जो हूँ अपने उसको अपनी सोलर प्लेट्स को ले आया हूँ और अब जो है हमें इसको ऊपर ले जाना है। तो अभी देखें आप लोग के मैं कैसे इसको ऊपर लेके आता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो हूँ प्लेट को ऊपर ले आया हूँ। अब जो है हम इसकी अनबॉक्सिंग करके चेक करते हैं कि हमें कैसे सोलर पैनल्स कंपनी ने भेजे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसको खोल के इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो हूँ इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी मजबूत पैकिंग करके दी है, कहीं से भी कोई चीज़ टकराए ना, इसलिए कंपनी ने काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह में करके दी है। और ये इसका वारंटी कार्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ, इसकी 5 ईयर्स की वारंटी है और इसके अंदर 2 5 ईयर्स वारंटी के कार्ड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये इनवर परफेक्ट कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। अब मैंने सोचा कि जो है इसको उठा के निकाल दिया जाए, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर तरीका वो लगा कि पहले जो है ज़मीन पर इसको लिटा लिया जाए, इसका गत्ता जो है उतार दिया जाए, उसके बाद सोलर प्लेट्स जो हैं आराम से इसके अंदर से निकल जाएंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जो इसका कवर जो है वो हटा दिया है। ठीक है, और अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सोलर पैनल्स का, आप लोग देख सकते हैं पीछे जो है सोलर पैनल में वाइट होते हैं। और अभी आप लोग नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो है काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और काफ़ी ही प्लेट जो है हमारी चमकती भी है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ठीक है, अब मैं आपको बैक करके इसको दिखाता हूँ, तो बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है और काफ़ी ही मजबूत इसकी जो है एल्यूमिनियम की साइडों में बॉडी भी है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इनवर परफेक्ट लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है कि इसकी जो पावर है वो 160 वॉट्स की जो है ये आउटपुट देगा और 222 वॉट्स जो है ये देगा और 160 वॉट्स ये आउटपुट देगा और 9.23 जो है ये एम्पेयर देगा शॉर्ट सर्किट के अंदर। और आप इसका DB भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मजबूत केबल जो है कंपनी ने हमें इसके साथ दी है। जो ओरिजिनल सोलर पैनल्स होते हैं उनका पीछे का जो कवर होता है वो छोटा होता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं जो हूँ इस वायर्स को ओपन कर लेता हूँ जल्दी के साथ। ये हमने 30 मीटर जो है ये वायर ली है और 3,500 रुपये की हमें जो है इसकी वायर पड़ी है और ये 4 mm की 2 कोर केबल है, जिसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं तकरीबन 100 या 105 रुपये मीटर। तो अभी देखें मैं जो इसको खोल के आपको छील के इसका तार दिखाता हूँ कि इसकी कैसे जो है वो केबल है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मजबूत तार है, छीलने में भी मसला हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो है काफ़ी मजबूत इसका तार है और काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस भी रहेगी। ये 4 mm का तार हमने इसलिए लिया है कि इसके साथ हम 4 प्लेट भी लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं फ्लेक्सिबल पाइप मैंने लिया है 100 फिट और इसके अंदर से हम लोग जो हैं अब अपने पाइप को घुमाएंगे, अपने तार को ले आके ग्राउंड फ्लोर पर ले जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग इसके अंदर से इस तार को गुजार लेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं प्लेट जो है मैंने यहाँ पर लिटा दी है और धूप के हिसाब से एंगल देख के हम जो है अपना स्टैंड भी फिट कर देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं प्लेटों की जो है वो सेटिंग बिठाई जा रही है और नट्स वगैरह भी टाइट किए जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, यहाँ पर जो होल होता है तो उस हिसाब से हम लोग जो है अपना नट जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर जो है वो हम लोग नट अच्छी तरीके से टाइट करेंगे ताकि हमारी जो प्लेट है वो कहीं पर भी हिले ना। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद एक प्लेट जो है हमारी लग चुकी है। और मैं आपको नीचे से भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इसका नट हमने लगा दिया। अभी हमने थोड़ा लूज़ लगाया है, आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसको पूरा टाइट भी कर देंगे, ऊपर की जानब लगाया और एक नीचे की जानब। ठीक है, तो ये प्लेट तो जी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद दोनों जो हमारी प्लेटें हैं वो स्टैंड के ऊपर बिल्कुल सही फिट हो चुकी है। और आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर आपको सूरज भी थोड़ा थोड़ा प्लेटों के अंदर दिखाई दे रहा होगा। और तो जो है असल मकसद जो बताने का है वो ये है कि आप भले छोटी छोटी एक प्लेट से ही स्टार्ट कीजिए मगर स्टार्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला दौर सोलर का ही है। तो जैसा कि मैं भी अब ये बोला करूँगा कि जो है वो सोलर सिस्टम लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए, बिजली के बिलों से चार्ज कराइए। अल्लाह हाफिज़।